नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और मैं अभी हूँ मणिपुर में, इम्फाल सिटी में। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से है। ये इधर है कांगला फोर्ट और मुझे जाना है जिस साइड मार्केट है IMA मार्केट, तो अभी मैं वही जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है। ये क्रॉसिंग पाथ है यहाँ पर रोड को क्रॉस करने के लिए, वो डायरेक्ट उधर से सीधे निकल गए। तो अभी चलिए हम चलते हैं मार्केट में। तो ये फुटपाथ की साइड में लगी हुई मार्केट है, जहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं कपड़े। अभी गाइस हम रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी, और ये इधर एक मार्केट भी है, बाहर भी है। अभी उस फ्रंट में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन सी मार्केट है। ये हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं और ये इधर अंदर की तरफ मार्केट है। तो ये बाहर का कुछ इस प्रकार का व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो चहल पहल काफ़ी है, यहाँ पर लग ही नहीं रहा जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले कुछ हुआ होगा। चलिए पर देखते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर की तरफ मार्केट का नज़ारे। अभी हम आ चुके हैं IMA मार्केट, और अभी ये जो लाइन है इसमें आपको सब फ्रूट मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि अलग अलग लाइन में अलग अलग आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इधर फ्रूट से रिलेटेड जितने भी आपको कुछ चाहिए, सेब केले जो भी होगा सब कुछ यहाँ इधर मिल जाएगा। इधर की तरफ ये सामान मिलता है यहाँ पूजा वगैरह के लिए। लगभग ये जो लाइन है पूजा वगैरह के लिए जितना भी सामान वो इस वाली लाइन में मिलता है। ये बहुत बड़ी मार्केट है यार, बहुत बड़ी। ये इधर है मीट मार्केट, तरह तरह की आपको फिश देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए मच्छी। सो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यार इधर क्या है। इधर की साइड में ये है ना मटके वगैरह रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये चीज़ देखिए, इस मार्केट के अंदर दुकान पे काम कर रहे हैं वो सभी लेडीज़ हैं, यहाँ पे एक भी जेंट्स नहीं है। यहाँ पर शॉप देख सकते हो, सभी की सभी लेडीज़ यहाँ पर वर्क कर रही है। ये देखिए, चाहे मटके हों चाहे फिश बेच रही हों चाहे कुछ भी कर रहे हों, सभी की सभी लेडीज़ काम कर रही हैं यहाँ पर। सो इस मटके में भाई ये दही है, और ये क्या गुड गुड है भाई। और ये मतलब यहाँ पर ये बेच रहे हैं अभी दही, और ये देख सकते हो जाली वगैरह है। मतलब हर तरह के वेजिटेबल्स वगैरह की भी शॉप है यहाँ पे, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये आ चुका है, ये सारी ड्राई फिश है यहाँ इधर के साइड में आप देख सकते हैं। और इधर ये लेडीज़ क्या बना रही हैं, टोकरी बना रही हैं। ये तरह तरह की फिश है। हेलो, ये देखिए फिश कितनी बड़ी बड़ी फिश है। कौन सी फिश है ये? कतला है। कतला है, कैसे दी? 300 रुपए के जी। ओके ओके, ये सारी कतला है क्या? अच्छा, ग्लास का। ओके, तो भाई ये फिश मार्केट है सर इधर की साइड में अभी जो हम आए हैं। और यहाँ पर ये कौन सी मछली है? मागुरी। ये आती कहाँ से है? दिमापुर से आया। ये सारा दिमापुर से आया? तो ये सारी जो फिश वगैरह है ये दिमापुर से आई है भाई। ये देखिए अभी उधर के चलते हैं, उधर ये मटके वगैरह रखे हुए हैं। और ये दूसरी साइड में खाने का कुछ है, यहाँ पर ये बना रखे हैं, देख सकते हैं। तो इधर की साइड में आपको ये मिलेंगे मिट्टी से बने हुए बर्तन, और इधर आपको खान पीन से रिलेटेड आपको जो भी कुछ खाना पीना है वो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, हेलो आएगा। ये देखिए, ये होटल यहीं पर चला रहे हैं सब कुछ यहाँ। तो ये IMA मार्केट है, और चलिए अभी और भी आपको दिखाते हैं। ये तो वेजिटेबल्स और फिश की मार्केट है, अब कपड़ों वाली मार्केट में भी चलते हैं। सो अभी मैं आया हूँ इस पीछे वाली मार्केट से। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स फिश मार्केट और जो भी है नॉन वेज मार्केट है। और इधर जो मार्केट आप देख पा रहे हो ये कपड़ा मार्केट है, इधर भी चलेंगे अभी। और ये है देख सकते हो, ये मेन रोड है,
और ये इधर हाईवे हो गया, सामने वाले भी एक कपड़ा मार्केट है, तो चलिए पर इस मार्केट की तरफ चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं क्लोथ मार्केट में और यहाँ पे आप देख सकते हो तरह तरह के आपको कपड़े मिलेंगे, जो ट्रेडिशनल है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ये मार्केट आप देख सकते हो दूर तक कितनी बड़ी है, और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बारिश वगैरह भी इसे बच जाते हैं। मार्केट एक साइड में अंदर की साइड में बना रखी है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे यार। तो देख सकते हो ये काट के बनाए हुए हैं, ये काट की चप्पल है, और ट्रेडिशन आई थिंक ये इनका जो किसी फंक्शन या फेस्टिवल में ये पहनते हैं। पीलो पहली बार सुना है और पहली बार देख रहा हूँ मैं। अरे बुक्स वगैरह रखने के लिए कुछ यूज में होता ही है भाई। पूरी इस मार्केट में लेडीज काम करती हैं। देखते हैं भाई ये क्या है। 500 800 का आज ये बोल रहे हैं कि कम करेंगे अगर आपको चाहिए हो तो। ओके ये भी 500 है। ओके चलिए ये लेडीज़ के हैं इधर के। ओके ओके सो ये इधर ये सोल वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सब जेंट्स के हैं और ये इधर लेडीज़ के हैं। काफ़ी अच्छे हैं यार, सभी हैंडमेड है। आपने खुद मणिपुरी में ये सब मणिपुरी डिजाइन के हैं? अच्छा तो ये देख सकते हो ये सभी मणिपुरी डिजाइन के हैं भाई, या फिर मतलब कहीं जैसे लोकल लोकल बनाते हैं फिर वो आप लोग यहाँ भेजते हैं? ओके 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 अच्छा अच्छा इस पूरे मार्केट में यही कपड़े का ही पूरा मार्केट है ये वाला? ओके ओके अच्छा अच्छा लेडीज़ और जेंट्स। ओके चलिए थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी की सभी लेडीज़ यहाँ पर वर्क कर रही हैं। हेलो कैसे हो आप? ये आपका मणिपुरी स्टाइल में है सारे? मणिपुरी। अच्छा कितने का पड़ता है ये मणिपुरी? 130 130 रुपीज़ का भाई ये मफलर है, ये मणिपुरी स्टाइल में है आप देख सकते हैं। ये देखो पूरे अलग अलग तरीके से हैं, अब जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। ये सभी मफलर हैं? ये मफलर नहीं सोल है। अच्छा सोल है ये सभी? यस ये इधर सोल है, ये लेडीज है? लेडीज ओके 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 सो जाते टाइम लेते हैं। सो अभी ये लगभग शॉल साड़ी जो सब कुछ यहाँ पर आपको एक ही मतलब एरिया में सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इधर इस लाइन में आपको ना सारे सूट मिलेंगे, आपको लेडीज सूट देखने को ये देख सकते हैं, और इधर की लाइन में आपको मफलर सूट और अलग अग तरीके के जो भी क्लोथ्स हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है ये क्लोथ मार्केट, तो अभी चलते हैं दूसरी मार्केट की तरफ। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक और मार्केट में, जो कि ये कपड़ा का मार्केट है ना, बिल्डिंग है ना इसके जस्ट पीछे, और यहाँ पर देख सकते हो स्नीकर्स आपको मिल जाएंगे, और इधर ये रोड पे ही मार्केट लगी हुई है जहाँ पर ये देख रहे हो ड्राई फिश वगैरह है यहाँ पर, और इस जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। क्या है ये? क्या है दिस नेम? नेग्रो नेग्रो कुछ है भाई ये तो, और ये तो वे झींगे और फिश है, और ये देखिए कि मार्केट भाई ड्राई फिश वगैरह यहाँ पर मिल रही है, ये देखिए ये यहाँ पर हर जगह ड्राई फिश है आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी हम आ चुके हैं वापस इसी मार्केट में आगे की तरफ जहाँ पर ये क्लोथ वगैरह मिल रहे हैं, और ये बारीक अंदर अंदर भी शॉप्स हैं बहुत सारी यहाँ पर, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कभी, तो उसी तरह की ये शॉप्स है यहाँ पे भी। यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही जुराब वगैरह बेच रहे हैं लोग, और ये देखो अंदर की तरफ गलियों में ऐसे दुकानें हैं यहाँ पर भीड़ी भीड़ी गलियों में।
जी अभी हम खाने के लिए आ चुके हैं वो मणिपुरी थाली, तो दिखाते हैं मणिपुरी थाली में क्या क्या है। सो मणिपुरी थाली इस प्रकार की होती है, इतनी बड़ी ये थाली होती है। ये केले के पत्ते हैं जिसमें राइस, मिर्ची, नींबू और ये क्या है पता नहीं, चटनी है और छोले। ये किस चीज़ की सब्जी भाई? ये सब्जी कौन सी है? ये जो बोरी बोलता है। ओके, बोरी और ये पत्ता है प्याज का, जो पत्ता वही मछली हम लोग भाषा में नाकुपी बोलता है। नाकुपी, ओके। और ये? ये खाली बॉयल सब्जी है। बॉयल सब्जी है ये, वो तो नहीं है स्कोक्स? स्कोक्स नहीं, वो कलकत्ता में जो मिठाई बनाता है। हाँ हाँ, बॉयल वाला जो पेठा। हाँ पेठा, पेठा, पेठा। अच्छा पेठा, बॉयल पेठा है भाई। और ये दाल है, ये वेज थाली है और ये नॉन वेज थाली है। इधर देखिए खाना, अभी खाते खाना फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम आ चुके हैं दूसरी साइड मार्केट के और यहाँ देख सकते हो ये बांस से बने हुए टोकरी हैं और ये देखिए वो आग सेकने के लिए, और इधर ये मच्छी पकड़ने के लिए जाल है, नेट है, और ये रोड पे मार्केट लगी हुई है इधर की साइड में। सभी ये देख सकते हो हैट भी बनी हुई है, वो हाथ से बनाई गई है। ये देखिए ये हैट हाथ से बनाई गई है। एक्सक्यूज मी, ओके सॉरी, अभी सर फ़ोन पे लगे हुए हैं तो इसका प्राइस पूछते हैं क्या है। ये हैंडमेड है सब कुछ, चूहे या मच्छी पकड़ने के लिए है। और यहाँ इधर क्लोथ मार्केट है अभी फ़िलहाल, तो चलिए अब इसका रेट पूछते हैं। इसका प्राइस क्या है? 150 रुपीज़ की है ये हैट, एक बार ट्राई करते हैं। सो देख सकते हो ये हैट ऐसे लगती है, अभी फ़िलहाल हैट के ऊपर हैट है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और लास्ट पीस बचा हुआ है 150 रुपीज़ में, जो कि मैं नहीं ले रहा अभी। सो गाइज ये थी यहाँ की IMA मार्केट, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय।